नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। पेश है आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। पहली बड़ी खबर में जानेंगे, कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को सल्यूट किया है और कहा है कि आपने जो भी फैसले लिए हैं वो राष्ट्रहित में लिए हैं। एक तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे, कांग्रेस ने कहा कि बापू के खिलाफ हेगड़े की नफरती बयान पर पीएम मोदी संसद में दें स्पष्टीकरण। वहीं हेगड़े के बयान पर भारतीय जनता पार्टी भी नाराज है और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे, शाहीन बाग को लेकर पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना, जाने उनके भाषण की 10 प्रमुख बातें। वहीं शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कहा कि यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। वहीं सीएए के खिलाफ कांग्रेस ने संसद में बड़ा हंगामा किया है। जाने सबसे बड़ी 20 खबरें इस वीडियो के अंदर। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पहली बड़ी खबर, शाहीन बाग में प्रदर्शन का 51वां दिन, दुकानें बंद होने से धंधा हुआ चौपट, अब प्रदर्शन में जाने को होगी 3 स्तरीय जांच। जी, आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले 51 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों का व्यापार पूरे तरीके से चौपट हो चुका है और स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय दुकानदार पिछले 50 दिनों से अपनी दुकान का शटर तक नहीं खोल पाए हैं। इस प्रदर्शन को सड़क से हटाने के लिए दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से तत्काल सड़क खाली करवाने की मांग की। प्रदर्शनकारी शाहीन बाग की तरफ जाना चाहते थे। पुलिस ने हालातों को भांपते हुए तकरीबन 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी कई घंटे तक जासोल रेड लाइट पर जमे रहे। बीच सड़क पर हो रहे इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से नोएडा को जोड़ता कालिंदी कुंज मार्ग भी लगातार बंद पड़ा हुआ है। इस वजह से दक्षिणी दिल्ली की नोएडा से दूरी बढ़ गई है। रोज लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। पहले भी स्थानीय लोगों ने इसे लेकर पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। वे कालिंदी कुंज मार्ग को खुलवाने के लिए प्रदर्शन भी कर चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कई दिन पहले भी 2 फरवरी को प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया गया। रविवार सुबह बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जासोल लाल बत्ती पर एकत्र हुए। वे शाहीनबाग धरना स्थल की तरफ जाना चाहते थे। मौके पर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात था। उन्होंने लोगों को शाहीनबाग जाने से रोक दिया। वहीं अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कहा कि बापू के खिलाफ हेगड़े की नफरती बयान पर पीएम मोदी संसद में दें स्पष्टीकरण। जी, आपको बता दें कि महात्मा गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद अनंत हेगड़े की घृणित टिप्पणी की कठोर निंदा करते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को संसद में इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। हेगड़े के बयान को लेकर सरकार पर हमला करते हुए पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि नफरत की विचारधारा और राष्ट्रपिता को अपमानित करने के ऐसे कृत्य को देश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन पर हेगड़े की टिप्पणी से साफ है कि भाजपा की विचारधारा और मानसिकता ही नहीं बल्कि वाणी में भी हिंसा झलकती है। वही अगली बड़ी खबर, शाहीन बाग को लेकर पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। जी, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी और तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी के पक्ष में पहली रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने नागरिकता कानून, राम मंदिर धारा 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने 2022 तक हर गरीब को पक्का घर देने के अपने वादे को भी दोहराया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी, दिल्ली का विकास नहीं होगा। पीएम मोदी की यह रैली पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में हुई। रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों के मन में क्या है, यह आज की रैली में साफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ की सरकार गरीब बेघरों को घर नहीं देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने एक एक वोट से भाजपा की ताकत बढ़ाई है। 7 सीटें देकर दिल्ली के लोगों ने बता दिया था कि वो देश को किस दिशा में सोच रहे हैं। देश बदलने में दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ी मदद की है। अब दिल्ली के लोगों का वोट अपनी दिल्ली को भी बदलेगा। 8 फरवरी को पड़ने वाला वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं होगा, इस दशक में दिल्ली के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए होगा। ये काम कौन कर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी, जो अपने हर संकल्प को पूरा करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। पहली बार लाल बत्ती के रौब से देश के लोगों को मुक्ति मिली है। सामान्य वर्ग के गरीब को आरक्षण का अधिकार मिला है। 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स 0 हुआ है।
पहली बार काले धन की हेरा फेरी करने वाले 3.5 लाख संदिग्ध कंपनियों को ताला लग गया है। सीलमपुर हो या जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? नहीं, इसके पीछे राजनीति का एक वो डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करना चाहता है। वही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को किया सैल्यूट और कहा कि राष्ट्र हित में आपने लिया फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कोरोना वायरस प्रभावित चीन के वुहान शहर से भारतीयों को देश वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उन्होंने बीजेपी में रहते हुए भी लगातार पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयान दिए थे। अपने बयानों को लेकर सदैव सुर्खियों में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एयर इंडिया की सराहना की है। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। जी आपको बता दें कि मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में जीरे का तड़का लग गया है। आपको बता दें कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंडका में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है, एक ओर राहुल गांधी और केजरीवाल हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ देशभक्तों की टोली है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम मोदी ने एक झटके में मालिकाना हक देने का काम किया है। पीएम मोदी इन कॉलोनियों के लोगों को पक्की सड़कें, बगीचा, पीने का पानी और स्ट्रीट लाइटें देने चाहती है, लेकिन ये काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती, ये राज्य सरकार का काम है। दिल्ली में सत्ता में आने पर भाजपा लोगों को ये सारी सुविधाएं देंगी। वह अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस का भारी हंगामा, अनुराग ठाकुर के विरोध में हुई नारेबाजी। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान संशोधित नागरिकता कानून और एनपीआर के मुद्दे पर भारी हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने का आरोप लगाते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का भारी विरोध किया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। कई सदस्यों ने लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ और नो एनआरसी, सीए और एनपीआर के नारे लगाए। जी आपको बता दें कि इस दौरान द्रमुक, सपा, बसपा और राकापा के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर कांग्रेस सदस्यों का समर्थन करते नजर आए। शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब पूरक प्रश्नों का उत्तर देने खड़े हुए तो कांग्रेस सदस्यों ने अनुराग ठाकुर सेम सेम और गोली मारना बंद करो के नारे लगाए। उन्होंने हमारा लोकतंत्र बचाओ, हमारा संविधान बचाओ और हमारा भारत बचाओ के नारे भी लगाए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि सदन में चर्चा करने से संविधान और लोकतंत्र दोनों बचेंगे, आप यहां चर्चा करने के लिए आए हैं। इसी दौरान AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी अपने स्थान पर खड़े होकर जामिया मिलिया इस्लामिया में गोलीबारी का मुद्दा उठाते हुए और अनुराग ठाकुर को लेकर टिप्पणी करते नजर आए। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब वे चर्चा करेंगे तभी संविधान और लोकतंत्र बचेगा। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहीन बाग के पीछे बताई साजिश, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। जी आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में 51 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह शाहीन बाग, जामिया और सीलमपुर में हो रहा प्रदर्शन संयोग नहीं है, यह एक प्रयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग कोर्ट की बात नहीं मानते वह संविधान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि साजिशों को यहीं रोकना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तिरंगे के सामने ज्ञान बांटा जा रहा है, हम दिल्ली में अराजकता नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि प्रदर्शन में हिंसा क्यों हो रही है। वह अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली के दौरान हुई नारेबाजी। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान कुछ लोगों ने गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में यह रैली हैदराबाद के स्थानीय संगठन ने आयोजित की थी। इस घटना के सामने आने के बाद
स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। रविवार शाम अखंड भारत संघर्ष समिति द्वारा नागरिकता कानून के समर्थन में निकाली गई रैली के समापन के दौरान नारे लगाने वाले एक व्यक्ति ने एक बार फिर उसी नारे को दोहराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को अपनी पार्टी का नाम नाथूराम गोडसे रख लेना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि उसे भाजपा से देश प्रेम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हेगड़े ने रविवार को महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम को ड्रामा करार दिया था। आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि महात्मा गांधी को देश प्रेम का सर्टिफिकेट उस पार्टी से नहीं चाहिए जो गोरों की सरकार के चमचे थे। अनंत हेगड़े उस संगठन से आते हैं जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, संविधान का विरोध किया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से गोडसे भक्तों की संख्या भाजपा में बढ़ती जा रही है, भाजपा को अपना नाम बदलकर नाथूराम गोडसे पार्टी रख लेना चाहिए। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में एक दो स्थानों में मध्यम बारिश के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 4 फरवरी की शाम तक बारिश शुरू हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है, जबकि पूर्वी असम में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पंजाब और पश्चिमी हिमालय के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।